Hey guys, मैं मयंक पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को टैली प्राइम का फ्री कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें मैंने अभी लास्ट दो वीडियोज आप लोग प्रोवाइड कराई है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हम टैली प्राइम को कंप्यूटर में अपने कैसे इंस्टॉल करते हैं तथा उसे हम कैसे ओपन करते हैं, उसका पार्ट ऑफ विंडो क्या है, उसका कंप्लीट नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है हर उस व्यक्ति के लिए जो टैली को अच्छे से सीखना चाह रहा है, बिगनर टू एडवांस सीखना चाह रहा है, उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है, यदि आप टैली स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, tally.erp9 का कंप्लीट कोर्स मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट अकाउंट का नॉलेज, अकाउंटिंग का बेसिक क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, वो कंप्लीट आप उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। यदि आप वो वीडियो देखने के बाद आप टैली प्राइम की वीडियोज देखते हैं तो आपको काफी नॉलेज हो जाएगा अकाउंटिंग में, टैली में। प्रीवियस वर्जन और एडवांस वर्जन दोनों आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो गाइस, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करके देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो सके, वो फ्री में कंप्लीट टैली पढ़ सके। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपनी हम कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पर, आपको दिख रहा है टैली प्राइम का ये आइकन, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और टैली आपका ओपन होगा। आप देख पा रहे हैं हमारे सामने स्टार्टअप आ गया है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है, तुम्हारी पिछली वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद आप ये कंपनी क्रिएशन की वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। हम चलते हैं यहाँ से कंटिन्यू टू एजुकेशनल मोड में आ जाते हैं। आप देख पाएंगे, अभी आप देख रहे हैं कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए आ गया, बिकॉज इसमें पहले से कंपनी क्रिएट है, सो यहां कंपनी सिलेक्शन के लिए आ गया। यदि हम टैली को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते तो जैसे ही हम लाइसेंस पर क्लिक करते, मींस एजुकेशनल मोड पर मैंने क्लिक किया, तो तुरंत कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी क्रिएशन का विंडो आ जाता, बट कंपनी पहले से क्रिएट है यहां पर, तो सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ गया। आप चाहे सेलेक्ट कंपनी करें या डायरेक्टली आप जाकर के यहां से क्रिएट कंपनी करें, या आप रिमोट यूजर हैं, आप ऑनलाइन टैली को यूज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट रिमोट कंपनी पर आप जाएं, या कोई पाथ प्रोवाइड करके आप टैली को ओपन करना चाहते हैं तो वहां से भी ओपन कर सकते हैं। यदि आप किसी ड्राइव से टैली को सेलेक्ट करके उसकी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाकर के आप कंपनी को ओपन कर सकते हैं। जो टैली के डेटा पाथ में कंपनी सेव्ड है वो कंपनी आपके सामने प्रेजेंट है। तो अभी हम किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कंपनी जो आपके सामने प्रेजेंट है, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, उसमें हम KCI एंड कंपनी को हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके सामने टैली का फर्स्ट इंटरफेस आ गया, जो मेन विंडो टैली की होती है वो आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कंप्लीट पार्ट ऑफ विंडो बताया है, हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया हुआ है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख लें। गाइस, चलते हैं हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम आप लोगों को मेनू ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कई तरीके से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कई तरीके से क्रिएट करने का मतलब ये है हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें, अल्ट के साथ हम K प्रेस करें तो हमारे सामने कंपनी मेनू ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां हम क्रिएट पर क्लिक करके कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। यहां हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, कंपनी क्रिएट होने के लिए आपके सामने उसका विंडो प्रेजेंट हो जाएगा, कंपनी क्रिएशन विंडो आ जाएगा। यदि हम यहां से कंपनी क्रिएट नहीं करना चाहते तो हम स्केप करके बैक आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं बटन बार पे F3 लिखा हुआ है कंपनी के लिए, तो F3 हम प्रेस कर देंगे तो कंपनी का फिर मेनू खुल के आ जाएगा, जहां से हम क्रिएट कंपनी चुन सकते हैं, अल्टर कंपनी है, सेलेक्ट कंपनी है, सेट कंपनी है। क्रिएट कंपनी से हम एक नई कंपनी बनाते हैं, अल्टर से हम उसमें अल्टरेशन करते हैं, यदि कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ छूट गया या कुछ उसमें हम सुधार करना चाहते हैं तो हम
अल्ट्रेशन के माध्यम से अल्टर कंपनी करके कंपनी में अपने हम सुधार कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से हम कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, जो डेटा डायरेक्टरी में सेव्ड कंपनी होती है वो सेलेक्ट कंपनी के माध्यम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सर्ट कंपनी के द्वारा यदि एक से ज्यादा कंपनी हमारे मेन विंडो पर ओपन दिख रही हो तो हम सर्ट कंपनी की मदद से उसे हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो गाइज हम चलते हैं क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं और आपके सामने क्रिएट कंपनी का एक मेन विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, मींस कंपनी क्रिएशन की विंडो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन, मींस ये कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने आ गया है जहां से आपको कंपनी क्रिएट करना है, मींस यहां पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंपनी के उसे आपको सबमिट करना है। आप सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट फील्ड है आपका कंपनी डेटा पाथ, कंपनी जो हमारी बनेगी या जो मैं कंपनी बनाऊंगा अभी वह कंपनी कहां पर स्टोर्ड होगी, उसका पाथ क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आप देख पा रहे हैं C:\Users:\Public:\Tally:\Prime:\Data मींस सी ड्राइव के अंतर्गत यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर पब्लिक नाम का एक फोल्डर है और उसके अंतर्गत आपका टैली प्राइम नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर है जहां पर हम, यहां पर हमारे द्वारा बनाई गई कंपनी जाकर के स्टोर हो जाएगी। इसलिए यहां पर लिखा है कंपनी डेटा पाथ, जो शायद आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फील्ड पर लिखा है कंपनी नेम, यहाँ पर अपने कंपनी का हम नाम डालते हैं जैसे KCI टैली करके हम बना देते हैं, KCI टैली एंड कंपनी, ये मैंने एक कंपनी का नाम एज एग्जांपल ले लिया और यहाँ पर हमने एंटर करा। आप देख पा रहे हैं जो नेक्स्ट आपका फील्ड दिख रहा है उसमें लिखा है मेलिंग नेम, मतलब पत्र व्यवहार के लिए आप किस नाम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम कंपनी के नेम से ही हम पत्र व्यवहार करते हैं तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम रखते हैं, यहाँ प्रोप्राइटर का भी नाम रखा जा सकता है बट सबसे अच्छा है कि कंपनी का नाम यहाँ पर हो। अब देखें नेक्स्ट फील्ड आपका एड्रेस है, मींस कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है वो हम यहाँ से डालते हैं, हम यहाँ डालते हैं सबसागर कॉलोनी अयोध्या, यहाँ हम चाहें तो और भी डिटेल डाल सकते हैं बिकॉज यहाँ जो भी डिटेल हम डालेंगे वो हमारे बिल पर प्रिंट होकर के आएगा, जब हम कस्टमर को बिल प्रोवाइड करेंगे तो उस बिल में यहाँ पर जो भी डिटेल हम मेंशन करेंगे वो डिटेल उसमें शो होकर के आएगा। जैसे हमें अपने कस्टमर को कॉन्टेक्ट डिटेल भी शेयर करना है तो यहाँ पर जो हम कॉन्टेक्ट डिटेल करते हैं वो बिल में प्रिंट नहीं होता, तो हम यहाँ से कर देते हैं मोबाइल, यहाँ से अगर हम मोबाइल नंबर कर देते हैं तो वह नंबर आपका बिल में प्रिंट होकर के आ जाता है। हम एंटर करते हैं, अगर हम यहाँ पर ईमेल को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ईमेल भी डाल सकते हैं, अन्यथा नीचे डालने के लिए आपके पास सारी फील्ड अवेलेबल है। एड्रेस में यहाँ पर जो भी हम डिटेल डालेंगे वो जब हम कोई भी बिल देंगे कस्टमर को अपने तो उस बिल में कंप्लीट डिटेल शो होकर के आएगा, तो यहाँ पर हम कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डालते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारा है स्टेट और यहाँ से हम स्टेट का चुनाव करते हैं जिस स्टेट के अंडर में हमारी कंपनी होती है। स्टेट डालना बहुत जरूरी होता है बिकॉज जो हम टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही वो मिलता है हमें। नेक्स्ट फील्ड आपका है कंट्री, यहाँ ऑटोमेटिक कंट्री लिख करके आ गया है, कंट्री यदि हम चेंज करते हैं तो हमारा जो करेंसी इंफॉर्मेशन है करेंसी डायरेक्टली चेंज हो जाती है। अभी हम यहाँ चले जाएं, मान लेते हैं हम यहाँ से इंडिया की जगह हमने इंडोनेशिया कर दिया तो यहाँ आप देखें RP इंडोनेशियन रुपया आ गया। यहाँ पर हम बैक करके जाते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से कुवैत कर दिए तो यहाँ से KWD कुवैती दिनार आ गया। तो जैसे ही हम कंट्री को चेंज करेंगे तो करेंसी बदल जाएगी, करेंसी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इंडिया मेंशन कर देते हैं, पिन कोड हम डाल देते हैं, यहाँ अपने एड्रेस का जो एग्जैक्ट पिन कोड है वो हम डाल देते हैं, यहाँ हम टेलीफोन नंबर डाल देते हैं, टेलीफोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर है हमें यहाँ मेंशन कर देते हैं। आप देख यदि फैक्स अवेलेबल है फैक्स नंबर भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं,
एग्जाम्पल में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपके पास फैक्स अवेलेबल है, फैक्स मशीन है, उसका आपके पास फैक्स नंबर है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड है ईमेल। यहाँ हम ईमेल डालते हैं, ईमेल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट फील्ड है वेबसाइट, तो कंपनी का वेबसाइट डाला जाएगा। यहाँ हमने वेबसाइट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट करके आते हैं, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी नहीं शो कर रही है। तो यदि कभी ऐसे ही आपके पास विंडो आती है जिसमें बहुत खाली खाली सा लग रहा है और सारी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है, तो वहां हम F12 प्रेस करके उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम एडिट लॉक की एप्लीकेबिलिटी डालना चाहते हैं, यदि हम टैली बिल्ड पासवर्ड वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, सारे ऑप्शन को हम यहाँ से यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल प्रेजेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कंपनी क्रिएशन का जो विंडो अब आपके सामने आया है उसमें कंप्लीट डिटेल्स आ रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सारी चीजें एक्टिव नहीं होती है, तो वहां से हमें F12 करके कॉन्फ़िगर कर लेना होता है, उसे एक्टिवेट कर लेना होता है। आप देखें लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, मीन्स किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आप हैं जिसमें आपकी कंपनी ओपन हो रही है। तो यहाँ पर हम अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसे फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष हिंदी में बोलते हैं। वित्तीय वर्ष जिस अप्रैल, जैसे हम अभी 2023 में चल रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का जो पीरियड है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर आपका जो वित्तीय वर्ष है कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट हम आते हैं बुक बिगनिंग फ्रॉम, बुक बिगनिंग में हम जिस दिन से अपना लेन देन स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर डेट हम डाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने 1 अगस्त को व्यापार स्टार्ट किया अपना, तो हम यहाँ पर 1 अगस्त डाल देते हैं। यहाँ हमने मेंशन कर दिया 1 अगस्त। अगर हम हमारी कंपनी पहले से चल रही है तो हर वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग फ्रॉम सेम हो जाएगा। ये एडिट लॉग, इनेबल एडिट लॉग को हम करना चाहते हैं, यहाँ से हम चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको नो करके रख सकते हैं। आगे का ऑप्शन है आपका सिक्योरिटी। अगर हम अपने कंपनी को सिक्योर करना चाहते हैं, इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पर फील्ड है सेट वर्ल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, अपने कंपनी के डेटा को हम इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर वर्ल्ड पासवर्ड डालना होगा। तो यदि हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वाई करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम, अब आप देख पा रहे हैं टैली वर्ल्ड पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पर आ गया। तो हम मान लेते हैं 1, 2, 3 या कुछ भी हम पासवर्ड डाल देते हैं। जो भी पासवर्ड हम डालेंगे उसे हमें कहीं नोट डाउन कर लेना होगा, बिकॉज यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है इफ, एक नोट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, इफ यू फॉरगेट योर टैली वर्ल्ड पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू योर कंपनी डेटा, मीन्स यदि आप इसे भूल जाते हैं तो टैली वर्ल्ड पासवर्ड को आप भूल जाते हैं तो आपका डेटा जो परमानेंटली लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए इसे हम कहीं पर नोट कर लें। हम एक बार यहाँ से एंटर करेंगे तो ये जो हमने टैली वर्ल्ड पासवर्ड प्रोवाइड किया है उसको यहाँ पर रिमाइंड करने के लिए, मीन्स कंफर्म करने के लिए वही चीज हमें रिपीट करके डालना होगा। एंटर करके हम नीचे आते हैं या जिसमें हाई सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा को भी हम यहां से यस करते हैं और यहां यूजर नेम दे करके हम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया KCI, यहाँ पासवर्ड हम प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उसे हम रिपीट कर देते हैं। इस तरह से आपका पासवर्ड हमने डाल के जैसे ही एंटर किया फिर वार्निंग आ गई, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनक्रीजेबल, यदि आप भूल जाते हैं पासवर्ड को तो आपका डेटा जो है वो कम्प्लीटली इनक्रीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी आप कोई भी पासवर्ड डालते हैं डिजिटली आप लॉक करते हैं तो उसे आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना होता है, क्योंकि पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फॉरगेट करने का ऑप्शन है तो ठीक है, बट यहाँ के पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। टैली वर्ल्ड आप चेंज कर सकते हैं आगे, बट उसको अगर आपको मालूम है तो आप कर पाएंगे, इसलिए इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। यस नीचे आते हैं,
इनेबल टैली ऑडिट फीचर, अगर ऑडिट फीचर को हम यस करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा हम नो कर दें। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, अगर हम जैसा कि आपने देखा हमने अपनी टैली को एजुकेशनल मोड में इसका लाइसेंस किया हुआ है, तो यदि हम इसको डिसअलाउड कर देंगे तो ये मेरा वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हम इसको नो रहने देते हैं, दोनों ऑप्शन को हम नो रखते हैं। एंटर करके हम नीचे आते हैं, आप देख रहे हैं हम करेंसी इंफॉर्मेशन में आ चुके हैं, जहां वेस करेंसी सिंबल है, आपका रूपीज का सिंबल है, जस्ट नीचे फॉर्मल नेम INR इंडियन रूपीज, उसके नीचे की फील्ड है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, हम चाहे तो इसको एज इट इज रख सकते हैं बिकॉज वो डिफॉल्ट तरीके से सेटअप है, तो लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। लिखा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अगर अमाउंट के साथ हम सिंबल को फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यस करेंगे, अन्यथा इसको नो रहने देंगे, तो हम सिंबल को फिक्स नहीं करते इसलिए हम यहाँ पर नो रखते हैं। यहाँ लिखा है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना है तो इसे यस करते हैं। ग्रामर भी कहता है कि दो वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी यस है। नेक्स्ट करते हैं, अगर अपने मुद्रा को हम मिलियंस में विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ 100 अमाउंट इन मिलियंस को यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो रहने देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के कितने स्थान तक हम अपने करेंसी को काउंट करते हैं, तो दशमलव के दो स्थान तक, बिकॉज दशमलव के बाद का जो होता है उसे हम पैसा कहते हैं, रुपए की जो छोटी यूनिट है वो पैसा है। नीचे एक फील्ड है, आप देखें वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद के वर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम पैसे कहते हैं, ये आप देख रहे हैं पैसे लिखे हुए हैं। जस्ट नीचे आप देखें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, दशमलव के कितने अमाउंट तक हम प्रिंट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो दो तक लेते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो इसको एक एक स्टेप आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके हर एक स्टेप को आप चेक कर सकते हैं। एक अब हम कंपनी को सेव करेंगे, मीन्स एक बार हम और एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, और चूंकि हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है तो जब तक हम यहाँ पर पासवर्ड नहीं देंगे हमारी कंपनी स्टोर नहीं होगी, तो यहाँ पर हम टैली वर्ल्ड में जो भी पासवर्ड हमने डाला है उसे हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। फिर यूजर एक्सेस कंट्रोल का जो हमने यूजर नेम प्रोवाइड किया है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और जो पासवर्ड हमने दे रखा है वो पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, और आपकी कंपनी यहाँ से सेव्ड हो जाएगी। जैसे ही कंपनी सेव होती है तो कंपनी में आप कौन कौन से फीचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर फीचर लिस्ट कंप्लीट खुल करके आता है, जिसका शॉर्टकट होता है F11, जो कि डिफॉल्ट तरीके से कंपनी बनने के बाद ही फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास डायलॉग आ गया है। यहाँ से आप अपनी कंपनी में जो भी फीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हम इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं, और आप देख पाएंगे मेरे द्वारा जो कंपनी अभी बनाई गई है KCI टैली एंड कंपनी, वो बनकर के आ गया। अभी इसमें कोई भी वाउचर एंटर नहीं है, इसमें एक कंपनी पहले से भी अवेलेबल है, तो हम इस कंपनी को यदि हटाना चाहते हैं तो हम यहीं पर F3 प्रेस करेंगे, और यहां से जाकर के हम सेट कंपनी कर लेंगे, कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम सेट कंपनी पर डबल क्लिक कर देंगे और यहां जाएंगे और एंटर कर देंगे, वह कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि केवल KCI टैली एंड कंपनी ओपन होकर के आ रहा है। इस वीडियो काफी लेंदी ना हो इसलिए हम वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम नई वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें हम आपको कंप्लीट मेनू के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।